तो स्टूडेंट हमारी उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा का पार्ट नंबर सेकंड यानी कोडिंग डिकोडिंग का। तो ध्यान रखना इस निश्चित वर्ड है उसका कोड दिया जाता है, उसके आधार पर निश्चित जो वर्ड है उसका कोड आपको बताना होता है। चलते कैसे करते हैं, अपने पास किसी या किसी कोड में ए आर ओ एम ए टी आई सी को बी क्यू पी एल बी एस टी बी लिखा जाए तो उसी भाषा में बी ए आर आई एन ब्रेन को क्या लिखा जाएगा। तो अपन ध्यान रखना वो मीनिंग दे रखे उसको ऐसे ऐसा आप यहाँ लिख दो बी आर ओ एम ए टी आई सी, इसको ऐसे ऐसे लिखा, इसके नीचे जो इसका कोड दिया है उसको मीनिंग को यहाँ लिख दो बी क्यू पी एल बी एस जे बी लिख दिया। अब आपको ध्यान रखना इसमें क्या चेंज किया, इसका विपरीत क्रम पूछा है उसके आधार पे किया है, इसमें कुछ जोड़ा है या इसमें कुछ घटाया है उसके आधार पर हम बताते हैं। तो ध्यान रखना अपन ए के अंदर क्या जोड़े, पहले तो आपको ध्यान रखना कितने लेटर, उसके आधार पर लेटर सेम होने चाहिए। तो इसमें क्या जोड़े ताकि बी आ जाए, तो मैं इसमें एक जोड़ता हूँ तो बी आता है, इसमें आर 18 पे होता है, क्यू कितना होता है 17, इसमें एक घटाता हूँ तो अपने पास ये आता है, इसमें पी पंद ओ कितना होता है 15 पे होता है, पी कितना होता है 16, फिर इसमें एक जोड़ रहा है तो अपन को पता चल गया है एक तो बढ़ा रहा है एक ही घटा रहा है, तो इसमें घट जाएगा क्यू 12 में, यह कितना होता है 13 पर, एल कितना होता है 12 पर एक घटा दिया, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें एक बढ़ा दिया, पी 20 पर होता है एस 19 से एक घटा दिया, इसमें एक बढ़ा दिया, इसमें एक ही घटा दिया, तो आपको पता चल गया एक बढ़ा रहा एक ही घटा रहा। तो उसी हिसाब से आपको बताना है बी आर ए आई एन, तो आपको ध्यान रखना एक तो बढ़ाना है तो बी के बाद में सी आएगा, बी में एक बढ़ाएंगे तो कितना आ गया सी आ गया, आर में एक घटाएंगे तो अपने पास आर 18 होता है क्वेश्चन क्यों आ जाएगा, और अपने पास ए होता है, ए कितने पर होता है भाई ए होता है अपने पास से एक पर एक, इसमें घट गया तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो बी आ गया अपने पास, आई आई कितने पर होता है दोस्तों आई अपने पास होता है 9 पर तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो कितना आ गया 10, जे आ गया अपने पास, एन होता है 14 पे एक बढ़ा एक ही बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई ओ, तो इसका आंसर क्या आ गया सी क्यू बी जे ओ, ये इसका आंसर है। इस आधार पर आपको कोड बता देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी कोड में एम ए डी ई मेड को क्या लिखा जाए, डॉलर परसेंटेज प्लस हेज लिखा जाए, और एस ओ एम ई सोम को एट द रेट डिवाइड डॉलर हेज लिखा जाए, तो उसी भाषा में आपको क्या बताना है डी ओ ई एस का किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना आपको दोस्तों इस टाइप से होता है, इसका कोड ये हो गया, एक को परसेंटेज लिख रहा है, डी को क्या लिख रहा है प्लस लिख रहा है, ई को हेज लिख रहा है, तो यहाँ से देखो अपने पास एस को एट द रेट लिख रहा है, ओ को क्या डिवाइड लिख रहा है, एम को डॉलर लिख रहा है, ई को क्या लिख रहा है भाई हेज लिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से बताना है अपन को क्या बताना है भाई डी को क्या लिखा जाएगा डी ओ ई एस, तो आपको पता चल गया होगा डी को क्या लिखता है, डी को ये लिखता है प्लस तो प्लस लगा दो, ओ को क्या लिखता है ये तो ओ को कहाँ लिखता है ओ को यहाँ है, ओ को क्या लिख रहा है ये डिवाइड लिख रहा है तो ओ को क्या लिख देंगे अपने ओ को क्या लिख देंगे अपने डिवाइड आ गया, फिर ई को क्या लिख रहा है ये ई को यहाँ देखो ई को यहाँ लिख रहा है अपने पास हेज, और यहाँ भी ई को क्या लिख रहा है अपने पास ही हेज, तो इसका क्या लिख देंगे भाई हेज लिख देंगे, और फिर अपन को पूछ रहा है अगला एस को क्या लिख रहा है तो एस को इस मीनिंग में नहीं है एस, इस मीनिंग में एस को क्या लिख रहा है एट द रेट लिख रहा है तो एट द रेट लिख देंगे, इस टाइप से अपन क्या बताते हैं डी ओ ई एस का कोड अपने बता दिया। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, किसी निश्चित कूट भाषा में एम ओ ए एन को 5% 3 डॉलर तथा एन ई न्यूज को $1@8 लिखा जाए तो उसी भाषा में एस ओ एम ई को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको बताना है। फिर चलते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों पर। देखो दोस्तों अपने पास नए टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, यदि ए बी सी को 1 2 3 तथा डी ई एफ को 4 5 6 तथा आगे इसी प्रकार लिखा जाए पूर्ण लेटरों को है ना लिखा जाए तो जी आई जी एच आई को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना अपने पास ए बी सी को क्या लिख रहा है 1 2 3 तो एक नंबर का कोड नहीं लिख रहा है इनको, तो अपने पास पूछा क्या है जी एच आई, तो इन्हीं का नंबर लिख दो जी टी रो जी 7 करो 7 एच को ऊपर नीचे मिलाने पर कैसा दिखाई देता है भाई 8, इसका 9
तो इतने कितना होगा 789 आंसर आ जाएगा। ये देखो एक निश्चित कूट, निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा में एस सी एच डबल ओ एल स्कूल को एच एक्स एस डबल एल ओ लिखा जाता है। तो इस ब्लॉक को क्या लिखा जाए, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अपने पास एस, तो अपने मैंने बताया था आपको पहले वाले वीडियो के अंदर एस का उल्टा क्या होता है भाई, हैंडसम। तो इसका मतलब एच लिख रहा है, इसका उल्टा सी का कुक्स लिख रहा है, हैंडसम ये लिख रहा है। ओ का उल्टा कौन होता है भाई, एल होता है। एल का उल्टा कौन होता है भाई, एल होता है। एल का और एल का उल्टा कौन होता है, ओ होता है। इसी टाइप से करना है तो बी का उल्टा क्या लिखते हैं भाई, बॉय। तो वाई आ गया, एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा एल होता है, सी कुक्स होता है, के काला पानी। तो इस हिसाब से इसका आंसर ये आ गया। ये अपने पास है यदि निश्चित कूट भाषा में पुलिस को के एल ओ आर एक्स वी लिखा जाए, तो अपने पास स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा, ध्यान रखना अपने यहाँ करते हैं इसको पी ओ एल आई सी ई, पुलिस को क्या लिख रहा है, के एल ओ आर एक्स वी लिख रहा है। तो ध्यान रखना अपने पास, तो इसका क्या हो रहा है, इसके स्टूडेंट का पूछा आपको, तो ध्यान रखना इसमें क्या डिफरेंट चल रहा है। इसमें देखो के काला पानी जिसको उल्टा लिख रहा है, एल लव लव इंडियन रेलवे कुक्स इवनिंग, उल्टा लिख रहा है नहीं लिख रहा है। तो ध्यान रखना आपको स्टूडेंट को भी अपने स्टूडेंट की मीनिंग है, तो एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट हो गया अपने पास। स्टूडेंट के लेटर को क्या करेंगे भाई, उल्टा। तो एस का उल्टा कौन होता है, हैंडसम। एच आता है टी का, टी का कौन होता है, जी टी रोड होता है, नहीं होता है, जी हो गया। यू का उल्टा कौन होता है भाई, यू फादर अंकल। तो एप हो गया, डी का कौन हो गया, दूध वाला। तो क्या हो जाएगा अपने पास, दूध वाला। डी का अपोजिट कौन होता है, डब्लू इवनिंग। इवनिंग क्या होता है भाई, वी होता है। एन, एन का मतलब क्या होता है भाई, एन का एम मन, एम एन लिखते हैं मन। तो क्या हो गया एम, टी का क्या हो गया, जी जी टी रोड। तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट को, एच जी एफ डब्लू वी एम जी लिखेंगे। इस टाइप से अपन निश्चित कोड के आधार पर कर सकते हैं। यह ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।